दोस्तों सोमी मी नोट 10 प्रो के सक्सेस के बाद सोमी ने एक और नया फोन लाने वाला है जिसका नाम होगा सोमी मी नोट 11 प्रो। इस फोन में आपको देखने को मिलेगा 144 मेगापिक्सल का क्वाड रेयर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों से बात कर लेते हैं सोमी मी नोट 11 प्रो के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं फटाफट से शुरू। दोस्तों सबसे पहले हम इस फोन के डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फोन में आपको ग्लास का बैक मिलेगा जो कि ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ आने वाला है, और इसके साथ आपको क्वाड रेयर कैमरा और नीचे में आपको मी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसके बाद हम इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। इस फोन में आपको 6.5 इंच का क्वाड HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगा हुआ मिल जाएगा जो कि 120 GHz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और इसके साथ आपको स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए आपको आगे और पीछे में कोरिलिन का गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ आपको ये डिस्प्ले फुल व्यू डिस्प्ले होने वाला है, और डिस्प्ले के अंदर में आपको सेल्फी कैमरा लगी हुई मिल जाएगी जो कि ओप्पो का ये टेक्नोलॉजी है। दोस्तों इसके बाद हम इस फोन की अगर प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं, तो प्रोसेसर आपको फ्लैक्सिबल लेवल का प्रोसेसर इस फोन में देखने को मिल जाएगा जो कि है 870 क्वालकॉम का 870 का प्रोसेसर इस फोन में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इस फोन की अगर मेन हाईलाइट कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस फोन में आपको 144 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा रियर में, और इसके साथ आपको 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा जो कि आपको 8K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, और इसके साथ आपको 130x तक का जूम आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा जो कि सैमसंग के S20 अल्ट्रा में आप देखे होंगे, इससे 30 गुना ज़्यादा आप जूम कर सकते हैं इस फोन में। इसके बाद इस फोन में आपको सेल्फी कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, और एंड्रॉयड 11 पे ये फ़ोन रन करने वाली है, और इसके साथ आपको 5000 mAh का इस फोन में बैटरी मिल जाएगा, और इसके साथ 65W का सुपर फास्ट चार्जिंग इस फोन में आपको बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद हम इस फोन की अगर रैम वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये फ़ोन 3 रैम वेरिएंट के साथ आएगा, 12GB 16GB और 20GB के साथ। और इस फोन की स्टोरेज के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस फोन का स्टोरेज आपको 512GB तक का स्टोरेज होने वाला है जो कि आप माइक्रो SD कार्ड के साथ आप 2 TB तक इस फोन का स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम इस फोन की अगर लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस फोन का लॉन्च डेट आपको 2021 के जनवरी या फरवरी महीने में इस फोन का लॉन्च डेट होने वाला है, और इस फोन का प्राइस आपको 54,000 से 55,000 के बीच में होगा जो कि फीचर के हिसाब से काफ़ी कमाल का ये फ़ोन होने वाला है। तो आपको ये फ़ोन कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।